पे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, ऐसे लोगों को ऐसे अवेयर करें। पेरेंट्स का काम होता है गाइड करें। एक मिडिल क्लास फैमिली भी भेजती है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, ऐसा ऐसी कौन सी कमी है गवर्नमेंट स्कूल में कि हम मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए? ये गवर्नमेंट स्कूल भी एजुकेशन देता है, प्राइवेट स्कूल भी एजुकेशन देता है। 30-40 घरों ने अभी तक टूरिज्म की रजिस्ट्रेशन की है कि घर घर टूरिस्ट आए। We have to involve the local people. We have to involve the local agencies in the promotion of the tourism. तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है आजकल की दौर में। ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर इकबाल, ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर इकबाल, रिवायत है किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। इस गरज से हमारी टीम ने आज दौरा किया है साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग अचबल इलाके का। इस वक्त हम मौजूद है अचबल पार्क में। बताया जाता है इस पार्क की बुनियाद 1620 में महारानी नूरजहां ने रखी है। तो आए नाजरीन करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं इनके मसलों मसाइल। तो आए नाजरीन करते हैं अपने सवालातों का सफर शुरू। कश्मीर जिसे जन्नत बेनजीर कहा जाता है, यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ नदी झरने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो करते हैं अचबल के लोगों से बात और जानते हैं कि पिछले 4 सालों में यहाँ के टूरिज्म में कितनी डेवलपमेंट देखने को मिली और साथ ही साथ हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट मिले। 2-4 साल से पहले जब यहाँ टूरिस्ट आता था, लोग ऐसे हैरान हो जाता था, जैसे कि हमारा एक डेस्टिनेशन छतपल में है, वहाँ जब कोई फॉरेनर जाता था, फॉरेनर लड़कियाँ जाती थी, लोग वहाँ परेशान हो जाता था क्योंकि फॉरेनरों का अलग ही तरीका होता है। अब जब 2-4 सालों से यहाँ गवर्नमेंट टूरिज्म ने होम स्टे का एक प्रोग्राम दिया है, घर घर टूरिस्ट, घर घर में जब टूरिस्ट की रजिस्ट्रेशन होती है तो उनको फैसिलिटी दी गई है कि आप घर घर में अपने अपने घरों में होम स्टे की रजिस्ट्रेशन करो और रजिस्ट्रेशन में आपने घरों घरों में टूरिस्ट रखे। और बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 30-40 घरों ने अभी तक टूरिज्म की रजिस्ट्रेशन की है कि घर घर टूरिस्ट आए, जैसे कि छतपल, थिमरन, दर्दपुर में बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है कि घर घर टूरिस्ट रखने के लिए, क्योंकि अब पहले की बात नहीं है। 2-4 सालों में बहुत सी फैसिलिटी आई है, जैसे कि छतपल में आज बहुत सारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के हट्स है, फैसिलिटीज़ है, गेस्ट हाउस चल रहे हैं, अच्छा बल में है, छतपल में है, तो और भी नए नए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, घर घर में अब टूरिस्ट आएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू टीम के लिए कि उनने दोबारा यहाँ पर एक मौका दिया हमें। पिछली बार भी यहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया अच्छा बल ओपन जो मुगल गार्डन है। तो टूरिज्म की बात आपने की है तो मैं टूरिज्म पे थोड़ा बहुत वाजह करना चाहता हूँ कि बहुत जो जैसे भाई साहब ने कहा कि बहुत सारे टूरिस्ट जो रजिस्ट्रेशन हुई घर घर में, हमने भी बहुत सारे कुपवारा में पूरा कम से कम हमारी 40 फैमिलीज आई थी जिन्हें हमने कुपवारा में स्टे करवाया, मतलब गाँव में। तो अच्छी बात है कि जो पहले था यहाँ पर टूरिज़म का कि जहाँ पे शोर शराबा था, मतलब हालात की वजह से, बाकी चीज़ वजह से, वो आजकल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि टूरिज़म डिपार्टमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा बहुत और प्रमोशन कीजिए इन जगहों को, जैसे छजबल है हमारा, सिमतन है, कुकरनाग है हमारा, अच्छाबल गार्डन है, स्प्रिंग है यहाँ का बहुत मशहूर है अच्छाबल मुगल गार्डन। यहाँ के लोकल्स जितने भी यहाँ पे आते, हमने 2021 में यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था अच्छाबल ओपन माइक, हमने विंटर में भी लोग देखे कि यहाँ पर विंटर में लोग आते हैं और यहाँ पर मतलब बहुत सारा कुछ होता है ग्राउंड लेवल पे। तो मैं चाहता हूँ कि टूरिज्म पे इस चीज़ के देखना चाहिए, जैसे पिछली बार हमने यहाँ सन टेम्पल रंबेरपोरा में है कैरीबल में, तो वहाँ पे हमने इवेंट करवाया था, तो उससे पहले वहाँ पे कोई गौर नहीं करता था टूरिज्म डिपार्टमेंट। फिर हमने प्रेजेंटेशन गवर्नर को की और गवर्नर साहब हाँ वहाँ पे स्टे किया उन्होंने और उस पर काम चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। तो मैं चाहता हूँ इसको नज़रअंदाज न किया जाए, डिपार्टमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि इससे लोग जुड़ेंगे
और इससे जो रिसोर्स है जो हमारा यूथ है वो इससे उनको मिल सकता है। मैंने बेशक टूरिज्म के हवाले से भी बात की, लेकिन यहाँ पे मैंने बात की कि एज अ लोकल यहाँ के रहने वाले जो है उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि टूरिज्म को बूस्ट मिले और यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो ज्यादा आ जाए। वही जो अभी भाई साहब ने कहा, जो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक कदम लिया है रजिस्ट्रेशन का कि वो फैमिली में आते हैं, कुछ फैमिलीज वो स्टे करते हैं वहाँ पे, फिर उस एरिया में वो जाते हैं, देखते हैं कि ये एरिया कैसा, कितना खूबसूरत है, मतलब जितने भी बाहर की फैमिली आती है उसमें रजिस्ट्रेशन है, बाज़ाब्ता ऑनलाइन सारा कुछ है, ऑनलाइन सारा कुछ है, तो उसमें सारा कुछ देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस के बगैर कुछ नहीं है। जितना अवेयरनेस डिपार्टमेंट करेगा उतना अच्छा होगा, उसमें जितना भी सपोर्ट होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक है, हमारे साथ ये रابطہ करें, हम भी उसमें इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जितनी बार अवेयरनेस होगा उतनी बार लोग जुड़ेंगे। जहाँ तक पिछले 4 साल की बात है या पिछले 30 साल की बात है, अगर हम इन ईयर्स को कंपेयर करेंगे, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो हाईलाइट करने का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टूरिज्म होता है, एक है डिस्ट्रक्टिव टूरिज्म और दूसरा है सस्टेनेबल टूरिज्म और इको टूरिज्म, विच वी कॉल बेटरली विच वी कॉल इट एज इको टूरिज्म। जो अभी हमारे भाई साहब ने स्कीम बताई कि घर घर रजिस्ट्रेशन, दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इको टूरिज्म। दैट मीन्स वी हैव टू इन्वॉल्व द लोकल पीपल, वी हैव टू इन्वॉल्व द लोकल एजेंसीज इन द प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म। तो पिछले 4 साल की अगर हम बात करेंगे, बहुत कुछ किया गया है रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव टूरिज्म इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। वी वॉन्ट टू प्रमोट सच अ टाइप ऑफ टूरिज्म विच विल बी अ सस्टेनेबल, विच विल बी लॉन्ग लास्टिंग। सो उस सिमत में अगर हम बात करेंगे, तो पिछले सालों से अगर हम देख रहे हैं, तो हर जगह पे हमें जो टूरिज्म देखने को मिल रहा है, दैट इज एनवायरमेंटली सेंसिटिव टूरिज्म। दैट मीन्स कि जो कोई भी काम किया जाता है, ऑलमोस्ट अगर हम 100% तो नहीं जा सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी या लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, दोज आर बीइंग टेकन टूवर्ड्स द सस्टेनेबल पाथवे, नॉट टू प्रमोट द डिस्ट्रक्टिव टूरिज्म। सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ नॉट ओनली द अचबल और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बट द पीपल ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड, दैट वी हैव सच अ टाइप ऑफ टूरिज्म बाई विच वी कैन अचीव अ लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट। That is all which we want to convey. जैसे कि मैम ने बात की टूरिज्म के हवाले से, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, एक दो पॉइंट्स है। एक तो ये कि हाँ, देखा गया है कि पिछले 4-5 साल में टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये चीज़ आ रहा है कि हमारे जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर उनके मतलब अगर उनको ऐसी कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट से कुछ ट्रेनिंग्स दी जाए, ताकि टूरिस्ट गाइड्स, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है, टूरिस्ट गाइड्स है ही नहीं। और उससे क्या हो सकता है, उससे ये हो सकता है कि जो लोकल यूथ है वो इन्वॉल्व होकर उनके एम्प्लॉयमेंट और उनका लाइवलीहुड बढ़ सकता है, एक चीज़। सेकेंडली ये चीज़ है कि जो भी इन एंड अराउंड यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट साइट पे हम जब देखते हैं, तो मैनेजमेंट के हवाले से इस टूरिज्म को अच्छे से मैनेज किया जाना चाहिए। जैसे ट्रैफिक के हवाले से है, तो बिल्कुल फिर इतना रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं जब सीज़न होता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं आम लोगों को। तो अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इस चीज़ को बड़े संजीदगी से लें, कुछ पार्किंग स्लॉट्स ऐसे बनाएं ताकि जो मेन रोड है वो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन हो, ये चीज़ें, मुझे ये 2 बातें कहनी थी, दैट्स फ्रॉम माय साइड एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम, ऑन बिहाफ ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, अस रिसेंटली करमस लॉन्च यह टूरिस्ट गाइड से डिपार्टमेंटस मस करन अपॉइंट तहद खतर के ट्रेनिंग आसी तिम कंसर्न ITI सित गसन वेरियस या दोन वेरियन शिम कोर्स तच तिम करन ट्रेनिंग तिमन छ पत करन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एज अ टूर ऑपरेटर या टूरिस्ट गाइड वनो तिमन से कर रजिस्ट्रेशन एज ए टूरिस्ट गाइड रजिस्ट्रेशन तिमन तुम टूरिस्टन सत्या तुम तिमन प्रोवाइड कर ऑल फैसल्टीज अबाउट डेस्टिनेशन यह रजिस्ट्रेशन खातर या टूरिस्टन तोर गुन तिमन तच प्रोवाइड फैसल्टीज कर तम बेस यप होम स्टेज न्यू रूलर से यह रजिस्ट्रेशन कर होम स्टे खातर ITI से इस साल 14 लड़के आए टूरिज्म गाइड के लिए।
फिर उन लोगों ने 7 दिन हमारे से सीखा कि टूरिस्ट एरियाज कहाँ पर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि कोकरनाग, डाकसोम, सिमथन टाप, छतपाल, पहलगाम, हर जगह जहाँ जहाँ टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ पर हमने उनको भेजे है। जब उन लोगों ने वो ट्रेनिंग ख़त्म की, अब उन लोगों ने अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन की है, कम से कम वो 14 से 15 लड़के थे, 12 ने अपनी रजिस्ट्रेशन की है टूरिज़्म गाइड की, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट की, उनकी सर्टिफिकेट भी मिल गया। उनमें कुछ जालगाम के लड़के हैं, कुछ यहाँ कीहरबल के लड़के हैं, कुछ शांगस के लड़के हैं, तो हमने उनकी रजिस्ट्रेशन दी, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आता है उनको हम रजिस्ट्रेशन देता है। 14-15 लड़के थे, उनमें 1-2 लड़के शायद उन लोगों ने नहीं की, बाकी ने रजिस्ट्रेशन किए, उनके रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर पहले एक रजिस्ट्रार था अच्छा बल में, वो यहाँ ब्रिंटी का रहने वाला था, वो शायद ब्रिंट का रहे, अब उसकी डेथ हो गई है। अब नए 14-15 लड़के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। जैसे कि होम स्टे के लिए हमने अशबल, जब यहाँ G20 से पहले यहाँ चल रहा था, हमने अनाउंसमेंट भी करवाई, मस्जिद से भी करवाई, और यहाँ म्यूनसिपलिटी में भी हमने बोला कि रजिस्ट्रेशन के लिए अभी खुले हैं, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना होम सिटी के लिए, टूरिज्म गाइड के लिए, मगर अशबल के लोग काम आए हैं उसमें। शांगा से ऊपर जो छतपाल, थिमरन, दर्दपुर के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, मगर अशबल के लोगों ने हमने बार बार यहाँ के सरपंच पांच जो भी लोग थे उनको हमने बोले बहुत बार, वो लोग आए पहले नाम लिखवाए, बाद में उन लोगों ने आपस अपनी डॉक्यूमेंट्री नहीं लाया। अगर अभी भी कोई भी होम सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो टूरिज्म ऑफिस में आ सकता है। So we have a beautiful Mughal garden in Achabal. Government should try to set up different innovative things in Achabal that attract tourists. But one important thing, I have a message for the people. I must admit that people need not to change the streak. We are proud for being trusted hosts. So people need not to change the streak. There are many areas where tourists are looted. So that leads to bad impact. That should not happen. This is my message to the people. I have been to Gulmarg some years ago. I was in Gulmarg and there was an employee of Tourist Corporation. He said, when I came to Gulmarg, main jab yahan pe aaya, to I saw a tourist. Usne kaha ki mujhe kisi jagah ka rasta batao. To jab maine usko rasta bataya, somebody came from back and he slapped me. कोई आया और उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने उससे पूछा, व्हाट हैपन, व्हाई डिड यू स्लैप मी? तो उसने बोला, आपने इसको रास्ता क्यों दिखाया? वी वुड हैव एटलीस्ट टेकन 500 फ्रॉम हिम जस्ट टू शो हिम वे। तो 500 तकरीबन हम इससे 500 लेते रास्ता दिखाने के लिए। सो दिस इज माई मैसेज टू द पीपल, गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब, बट वी ऑल्सो शुड चेंज। वी आर प्राउड फॉर बींग ट्रस्टेड होस्टर्स, वी शुड नॉट चेंज द स्ट्रिंग। थैंक यू वेरी मच जी। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल job in promoting the tourism not only in Kashmir but in the entire Union Territory of Jammu and Kashmir. लेकिन मेरा एक चीज़ है, एक सवाल है कि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिनको टूरिस्ट मैप पे लाने की ज़रूरत है, जैसे सरबल वेरीनाग एक एरिया है विच इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, तो उसको उस ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसे एरियाज को टूरिस्ट मैप पे लाने के लिए क्या कर रही है डिपार्टमेंट, बस ये मेरा क्वेश्चन है। अगर कोई जगह आपको टूरिज्म डेस्टिनेशन आपको लग रहा है ये टूरिज्म में आना चाहिए, उसके लिए जैसे किसने सरबल वेरीनाग की बात की, वहाँ पर हमारा टूरिस्ट ऑफिसर बैठता, वहाँ पर हमारा टूरिस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाके थोड़ी सी वहाँ पर रिटेन में एप्लीकेशन देना है कि ये जगह टूरिज्म में आना चाहिए, वो मैप पर हमारा काम है। और रही बात टूरिज्म की, जैसे अभी इसने बताया कि मैंने टूरिस्ट को रास्ता दिखाया तो किसी ने थप्पड़ मारा, टूरिज्म चलता है हर लोगों से, जैसे कि आम लोगों को इसमें मदद करना होता है, हर किसी डिपार्टमेंट को भी इसमें मदद करना। अभी टूरिस्ट की गाड़ी कुछ दिन पहले यहाँ डाकसू में एक्सीडेंट हुआ, जब लोग ही वहाँ पर पहले गए, लोगों ने ही उनको मदद किया, लोगों ने ही उनको बाहर निकाला, तब हम वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद हमने टूरिस्ट को यहाँ रात में रखे हैं, 10-12 टूरिस्ट थे, उनमें एक की डेथ हो गई, हम लोग हॉस्पिटल गए, सारे लोग गए, टूरिस्ट पुलिस वहां पर पहुंचा, हम लोग वहां पर पहुंचा, जब तक वो लोगों को घर तक नहीं पहुंचाया तब तक हम उनको साथ गए हैं। मगर टूरिस्ट चलाना हर किसी का फर्ज है, हर किसी का काम है, वो सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट का नहीं काम है, वो जिसमें उसमें कोई भी डिपार्टमेंट हो या सिविल लोग हो, अगर कोई भी किसी भी जगह टूरिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम हो वो करना वहां पर। टूरिज्म की यहाँ पे बात हुई, टूरिस्टों की बात हुई यहाँ पे,
मैं यहाँ के लोगों से जानना ये चाहूँगी कि बेशक हम तभी यहाँ के यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं तभी उन्हें यहाँ की हिस्ट्री बता सकते हैं जब हमें खुद यहाँ की कश्मीर की हिस्ट्री मालूम हो, और किसी भी जगह की हिस्ट्री हासिल करने के लिए इंसान को तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी होता है। तालीम को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो यहाँ के लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी कि अचबल इलाके में तालीमी निज़ाम जो है वो कैसे है। जी मैम, आपने एक क्वेश्चन किया तालीम पे जो अचबल एरिया में आपने किया अनंतनाग में, तो अगर देखा जाए तो जो अगर ग्राउंड रूट पे देखा जाए यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मतलब कि जो फीस एक साल में एक ही फीस होता है लेकिन वो उसमें इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते, इंक्रीज करते, चाहे स्कूल फेयर बस फेयर हो या ट्यूशन फीस हो, उसमें पर थ्री मंथ्स के बाद वो इंक्रीज करते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ से देखना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर अभी कश्मीर उस जगह पे नहीं है, बहुत हालात ख़राब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ गया है, अभी बच्चे मतलब कि वो तालीम नहीं ले पा रहे, अभी बच्चे अगर फीस बढ़ेगा तो एक पेरेंट चाहता है कि बच्चे को तालीम मिले, लेकिन अब उसका जो गुजारा है उस गुजारे में होना चाहिए, उसकी तालीम मिलनी चाहिए उस स्कूल में। तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट को इस चीज़ में देखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल क्या फीस लेता है, गवर्नमेंट फीस क्या है, तो उस पर गौर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे एज ए सोशल एक्टिविस्ट में हूँ, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो देखा जाएगा कि प्राइवेट स्कूल कितना बार्ब कर रहा है यहाँ पे, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात कर रहा हूँ अपने अनंतनाग की, तो उस पर गौर करना चाहिए डिपार्टमेंट। एजुकेशन, जैसे कि मैम ने बोला कि जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब हमारे पास अवेयरनेस होगी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज टूरिस्ट प्लेसेस, ओनली देन वी कैन कम्युनिकेट द सेम इन्फॉर्मेशन टू द टूरिस्ट्स, नॉट ओनली फॉर दिस। खाली इस चीज़ के लिए हमें एजुकेशन नहीं चाहिए कि हम टूरिस्ट्स को बताएं कि ये प्लेस किस चीज़ के लिए मशहूर है, बल्कि हमें अवेयरनेस इस चीज़ के लिए भी होनी चाहिए कि हम इस टूरिस्ट प्लेस को कैसे बचा सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि हम टूरिस्ट्स को बताएं कि ये जगह किसने बनाई थी, कब बनाई थी और इसकी संग बुनियाद किसने डाली थी। वो मुझे लगता है जो फाउंडेशन स्टोन आजकल हर एक टूरिस्ट प्लेस के पास होती है, तो वो हर जगह वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जस्ट बाई क्लिकिंग ए गूगल पेज यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट वेरी थिंग। बट वॉट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अवेयरनेस हाउ टू प्रोटेक्ट दिस टूरिस्ट प्लेस सो दैट इट मे नॉट गेट डिस्ट्रक्टेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करते हैं, बींग वन ऑफ द एकेडमिशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, तो हमारे कॉलेजेस में एक कोर्स चलता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म। तो अगर हम वुमेन्स कॉलेज अनंतनाग की बात करेंगे या बॉयज़ कॉलेज अनंतनाग की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी हमारे पास है जो कि एनरोल्ड है इन कोर्सेज के लिए इन देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ दिस वेरी स्ट्रीम और दिस वेरी कोर्स, बट द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्ट्रीम्स, वेदर दे आर फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस, वेदर दे आर फ्रॉम सोशियोलॉजी, वेदर दे आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, वेदर दे आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, दे ऑल्सो आर बींग टॉट द वेज टू प्रमोट एंड टू प्रोटेक्ट द टूरिस्ट साइट्स, सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो आप बोलते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, सबसे पहले जो हमारे टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनका फर्ज बनता है सबसे पहले अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लेना, ना कि जब हम लोग हमारे मोहल्ले में कोई टीचर है, हेडमास्टर है या कोई भी है एजुकेशन से रिलेटेड है, हम जब भी देखते हैं उनका बच्चा हमेशा गाड़ी का ही वेट कर रहा होता है सुबह के, मुझे प्राइवेट स्कूल में ही जाना है। अगर वो सबसे पहले पहल करें तो बाकी भी उनको देख कर डाल देंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे। मेरा कहना ये है सबसे पहले हमारे जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड टीचर्स हैं, कोई भी है जो भी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको सबसे पहले अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल में। पैसे की तंगी हर किसी को होती है, कोई गरीब है वो नहीं डाल सकता है गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन फिर भी वो बोलता है यार मेरे मोहल्ले में ये लड़का जब प्राइवेट स्कूल में जा रहा है मेरा बच्चा निकलेगा नहीं गवर्नमेंट स्कूल के लिए। जब एक एरिया में ऐसा ही कल्चर बने कि वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना है तभी बच्चे जा सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तभी वो खर्चे से भी बच सकते हैं ज़्यादा खर्चे से। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो या चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो,
उनको टूरिस्ट फ्री प्रोवाइड करो ताकि वो देख सके कि हमारा कश्मीर कैसा है। जब हम बाहर टूरिज्म के लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतने सारे टूर एंड ट्रैवल्स बनाते हैं, तो हमारे कश्मीर में जो भी बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टूरिज्म, इसीलिए मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबके लिए ये टूरिस्ट फ्री प्रोवाइड करूँ। बिल्कुल, आपने यहाँ पे बात छेड़ी प्राइवेट स्कूलों की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या स्टूडेंट को प्राइवेट स्कूल में जाना ही ज़रूरी है? क्या गवर्नमेंट स्कूलों में वैसी तालीम हासिल नहीं होती है? क्या हम मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ने के लिए? नहीं, देखो सब चेंजेस हो गए हैं। अगर कुछ अच्छे से देखा जाए पिछले 5-6 साल से बहुत चेंज हो गए। जो स्कूल थे, अगर किसी जगह स्टाफ डिले कर रहा है तो उनको मतलब डिपार्टमेंट उसी टाइम एक्शन लेता है। यहाँ पे एक स्कूल मुझे पता है, यहाँ पे ब्राह्मे पिछली बार 10th क्लास का 0% रिजल्ट निकला था, सारे स्टाफ को सस्पेंड किया डिपार्टमेंट ने। दैट इज अ गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। तो वो स्टेप जब से लिया है गवर्नमेंट ने, और मतलब ऑन ड्यूटी पे मतलब कि तालीम कैसी देनी चाहिए बच्चों को, वो चीज़ हो रही है, कुछ साल से हो रहा है, तो अच्छी बात है। ये नहीं कि बस स्कूल प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा तो वही आईपीएस बनेगा, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे हमारे मेरा एक कजिन ब्रदर है अतर आमिर, आप जानते हो, डीसी कुलगाम में, आज उसने गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन ली है तो वो क्यों आईएएस बन गया है? ये जहन में ऐसा होता है, जिस बच्चे को पढ़ना होता है वो किसी भी जगह पढ़ सकता है। लेकिन आप गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और प्राइवेट स्कूल में भी वो ऐसा होना चाहिए। बस मेरी वही बात है। एजुकेशन हमारी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? दैट वी शुड ट्राई टू एडमिट अवर स्टूडेंट्स इन द प्राइवेट स्कूल। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ऑल दो हमारे पास जो फैकल्टी गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है वेल क्वालिफाइड, दे कम थ्रू ए प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस, थ्रू ए टेस्ट विद हाई क्वालिफिकेशंस, उनके पास नॉलेज अच्छी खासी होती है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, खाली हमारा जो एजुकेशन है ये खाली प्रोफेसर्स या हमारे टीचर्स से नहीं चलता है जब तक कि इसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो। अगर हम अप टू 10th की बात करेंगे, अप टू 10th या अप टू 12th हायर सेकेंडरी लेवल तक की बात करेंगे, हमारे पास अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल्स फ्लोरिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं अपने फील्ड में कोई भी प्राइवेट कॉलेज हमारे लिए फ्लोरिश नहीं करता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कॉलेजेस के लेवल पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है टू गेट एडमिशन इन दीज वेरी कॉलेजेस। लेकिन जब हम 12th तक की बात करते हैं, शायद हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हाई स्कूल्स या मिडिल स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल्स या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एक्सपोजर अवेलेबल नहीं है जो कि स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो इस चीज़ की तरफ ध्यान दे, ट्राई टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्राई टू इम्प्रूव द एक्सपोजर लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स अप टू 12th, बिकॉज आफ्टर 12th स्टूडेंट्स विल गेट एक्सपोज्ड ऑफ देयर ओन एंड दे आर हैविंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द कॉलेजेस। दैट इज माय टेक। यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, ऐसे लोगों को ऐसे अवेयर करें कि वो उनको सब पता हो कि हम कैसे मतलब साफ रख सके एनवायरनमेंट को, उनको अवेयर, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वो वहाँ जाके ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिससे हमें पता लगे कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। उनको चाहिए कि वो क्लीन अप प्रैक्टिसेस करें, फॉरेस्ट्स में जाके वो रिवर्स को साफ करें, और वो कंपोस्टिंग पिट्स बनाए जहाँ के, जैसे कि यहाँ पे हमारे आसपास के रेस्टोरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि उनको किचन गार्डनर्स रखने चाहिए, और उनको चाहिए कि हमें ऐसे उनको अवेयर करना चाहिए कि ऐसे चीज़ें यूज़ करें जो रिसाइकल और यूज़ हो सके, ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ रखे, मतलब जो हमारे टूरिस्ट्स के लिए और हमारे लोकल पीपल्स के लिए भी ठीक रहेगा। क्या हम तब तक कुछ नहीं कर सकते कि जब तक हम अपने माहौल को साफ ना रखें? तभी टूरिज्म सब कुछ चलता है, जब हम अपने माहौल को साफ रखें। जैसे हम जब हम अपने माहौल को साफ नहीं रखेंगे, टूरिस्ट यहाँ करने के आएंगे? जो हम देख रहे हैं कि जैसे बाकी टूरिस्ट प्लेस पे बहुत गंद पड़ी होती है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें वो गंद उठा के मतलब कि वो माहौल हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा माहौल साफ रहेगा उतना ही कश्मीर में लोग ज़्यादा आएंगे। जो हम अपने माहौल को बिगाड़ रहे हैं उससे यहाँ पर मतलब कि टूरिस्ट की आमद रफ्त कम हो जाएगी। बस मेरा यही कहना। जैसे कि भाई साहब ने बोला कि हमें जो प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स जो है या
हायर एजुकेशन या लोअर एजुकेशन में जो टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स है, उनको अपने बच्चे का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में ही करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ अपने कुलीग से यहाँ पे, वो इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि हमें थोपना चाहिए किसी पे कोई स्कूल, बल्कि हमें इस तरीके से अपने स्कूल को डेवलप करना है, इस तरीके से अपने स्कूल को अट्रैक्टिव बनाना है कि गवर्नमेंट स्कूल क्या हर कोई एम्प्लॉई, चाहे वो आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे वो केएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, या चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना काम करो, वो खुद मजबूर हो जाए हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे लाने के लिए, ना कि हम उस पर बाय एन ऑर्डर थोपे ये चीज़ कि यू हैव टू एडमिट यूर चिल्ड्रन, यू हैव टू एडमिट यूर चाइल्ड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। जिन गवर्नमेंट स्कूल्स के पास, हमारे पास एट द प्रेजेंट टाइम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि एक ऐसे माशरे में एक गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हर एक काम का वक्त मुकर्रर किया होता है, इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे इख्तिताम होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम का अगला दौरा आपके एरिया में हो तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।